नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्नोलॉजी क्यूब। आज का वीडियो है द वीपिंग वुमन के बारे में। ये कहानी अमेरिका में बहुत ही प्रचलित है और बहुत से लोग आज भी इस पर विश्वास करते हैं और उस औरत से आज भी डरते हैं। तो कौन थी ये औरत और क्या है इसकी कहानी, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये कहानी है कई साल पुरानी। मारिया नाम की एक लड़की थी जो बेहद गरीब परिवार से थी और मेक्सिको नाम के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। मारिया काफी गरीब थी लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी और लोग उसे उसकी सुंदरता के लिए जानते थे। वो अपने परिवार के साथ नदी के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन कहीं दूर शहर से एक लड़का आया जो देखने में बहुत अच्छा था। जब वो लड़का वहां से गुजर रहा था तब उसकी नजर मारिया पर पड़ी और मारिया ने भी उस लड़के को देखा। दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। मारिया के परिवार वाले इस बात से बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी और अमीर परिवार में होने वाली थी। लेकिन उस लड़के के घर वाले इस बात से बहुत नाराज थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी गरीब परिवार में शादी करे। लेकिन इस सब के बावजूद भी उस लड़के ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर भी मारिया से शादी कर ली। इस बात से नाराज होकर उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो लड़का और मारिया एक अलग घर बनाकर वहीं मेक्सिको के पास ही रहने लगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और वो दोनों बहुत खुश थे। कुछ महीनों बाद मारिया ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद चीजें काफी बदलने लगी। मारिया को एहसास हुआ कि उसका पति अब उसे पहले जैसे प्यार नहीं करता था और ना ही उसे टाइम देता था। वो दिन भर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था और कई बार दूसरे शहर भी जाता था। जब वो वापस आता भी था तो सिर्फ उन बच्चों पर ही ध्यान देता था और मारिया को नजरअंदाज करने लगा था। मारिया इस बात से काफी परेशान होने लगी थी। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब मारिया किसी काम से घर से बाहर निकली तब उसने देखा कि उसका पति किसी और लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। दरअसल उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। मारिया को जब इस बात का पता चला तो वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और इस बारे में सोच सोच कर वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने इसी गुस्से में अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबा दिया जिसके कारण उन दोनों की मौत हो गई। उसने अपने अंधे गुस्से के कारण अपने ही बच्चों को डुबा कर मार दिया था। कुछ देर बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उसने अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तब तक वो बच्चे नदी में बह चुके थे। मारिया को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था और इसी पछतावे के कारण उसने भी नदी में छलांग लगा दी। अब मारिया की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद ही इस डरावनी कहानी की शुरुआत हुई। लोग कहते हैं कि जब मारिया की आत्मा भगवान के दरवाजे पर पहुंची तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं, उन्हें भी साथ लाओ तभी तुम्हारे लिए द्वार खुलेंगे, यानी तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पर वो दोनों बच्चे कभी नहीं मिले। इसके बाद मारिया की आत्मा वापस पृथ्वी पर आ गई। मारिया की आत्मा अब जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच फंस चुकी है और आज भी पृथ्वी पर भटक रही है। ये कहानी कहती है कि एक औरत जो कि बेहद डरावनी दिखती है, इतनी डरावनी कि उसे देखकर ही इंसान की रूह कांप जाए, वो आज भी अपने बच्चों की तलाश में उसी जगह पर घूम रही है। वो चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को ढूंढ सके ताकि उसे मुक्ति मिल सके, पर वो बच्चे उसे आज तक नहीं मिले। इस औरत को आज भी उसी जगह पर देखा गया है। रात के 12 बजे के बाद ये औरत उसी नदी के आसपास घूमती है जहां पर इसने अपने बच्चों को डुबोकर मार दिया था। उस जगह से आज भी इस औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि अगर कोई उस जगह पर रात के 12 बजे के बाद जाता है
तो उसके जीवन में बैड लक शुरू हो जाता है और उसकी मौत तक हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा रात के वक्त वहां जाता है तो वो उन बच्चों को पकड़ लेती है और उन्हें भी उसी नदी में डुबाकर मार देती है। उसे हर बच्चे में अपने ही बच्चे नजर आते हैं। वो उनकी आत्मा को साथ ले जाना चाहती है और मुक्ति पाना चाहती है। जिन लोगों ने उसे देखा है वो बताते हैं कि वो देर रात को नदियों और तालाबों के पास घूमती है। उसने एक काला या सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ होता है और उसका चेहरा ज्यादातर ढका हुआ होता है। जो बच्चे उसके चंगुल से बचकर भाग पाए उनके मुताबिक उन्हें एक आवाज सुनाई दी थी, मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो, और अचानक से उनके सामने वो औरत आ गई थी। लोगों के मुताबिक वो आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और अपने बच्चों को मारने के पछतावे में वो आज भी रो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या ये कहानी सच है या उस इलाके के लोगों ने किसी मनगढ़ंत किस्से को यूं ही फैला रखा है? आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट्स में बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।